प्यारे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, अफवाहों और एग्जिट पोल से हिम्मत मत हारिए। ये आपका हौसला तोड़ने के लिए फैलाई जा रही हैं। इस बीच आपकी सावधानी और भी महत्वपूर्ण बनती है। स्ट्रांग रूम और काउंटिंग सेंटर में डटे रहिए और चौकन्ने रहिए। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी मेहनत और आपकी मेहनत फल लाएगी। क्वेश्चन ये है, हमारे राय में हर चीज़ एक्यूरेट नहीं होती इलेक्शन में। जो भी हम भी काम करते हैं, जो वर्कर्स हमको फीडबैक देता है, उसके आधार पर पोलिंग बूथ वाइज हम देखते हैं। और हमारे MLAs, MLCs, DCC प्रेसिडेंट्स, ये लोग भी किस पोलिंग बूथ में कितना वोटिंग हुआ, कैसा हुआ, किस किस कम्युनिटी का हुआ, वो देखने के बाद वो हमको कहते हैं ये ठीक हो गया, ये खराब हुआ बोलते। लेकिन यहाँ पर तो अभी वोटिंग चल रही थी, क्योंकि हर एकदम 6 o'clock बोले तो 6 o'clock क्लोज नहीं होता, तो धूप में लोग नहीं आते, तो क्यू में जो ठहरते हैं उनका वोटिंग 8 बजे तक चलता है, लेकिन उससे पहले ही 6 बजे शुरू हो गया उनका रिकॉर्डिंग। तो इससे ऐसे जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसके बारे में हमारा सहमत नहीं है। गड़बड़ करने की आदत उनको है, हम लोग हमारी रक्षा तो कर लेना चाहिए। और दूसरे तरफ ये डेमोक्रेसी में ऐसे कदम क्यों उठाए जा रहे हैं, और डेमोक्रेसी में आज तक ऐसा नहीं हुआ, ये यही प्रधानमंत्री के ज़माने में ये हो रहा है। तो इससे कुछ ना कुछ संशय ऐसा पैदा होता है कि प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली हर चीज़ में इंटरफेयर कर रहे हैं। और आपको ये भी मालूम है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसमें भी एकमत नहीं है, उसमें भी एक मेंबर डिसेंट नोट दिए हैं तो भी वो रिकॉर्ड नहीं होता। जब इलेक्शन कमीशन में ही सहमति नहीं है और वहाँ पर उनके विचारों को रिकॉर्डिंग किया नहीं जाता, तो आप समझिए कि दूसरों की क्या हालत होगी। थैंक यू। उसकी ऐसा है, NDA के बारे में तो पहले से ही प्रचार ज़्यादा है, और यहाँ तक कि पोलिंग के लास्ट डे भी केदारनाथ के गुहे में बैठ के वो भी उन्होंने लोगों को दिखाया और वो भी उसका भी प्रचार किया। देखिए, ये पहली बार ऐसी हो रहा है कि एक देश के प्रधानमंत्री जी, जिनका स्टेटस और जिनके बारे में सारा वर्ल्ड रिस्पेक्ट देता है उस पोस्ट को, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर जाकर हर दिन एक एक पब्लिसिटी देते हैं और किसी ना किसी बहाने से TV पे आते हैं, और जब उनको मौका मिला कि इंटरेक्शन करने का, अमित शाह और वो दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अपनी सारी बातें वो बता सकते थे, 5 साल में कितने अचीवमेंट उनके थे, 5 साल में उन्होंने क्या क्या किया और किस लिए वो वोट मांग रहे, ये कह सकते थे। लेकिन उन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं किया, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अटेंड किए, फिर उठ के चले गए।